जो हम लोग देखेंगे वो है मजलिस प्रपोजिशन ऑफ पब्लिक डेट, कि पब्लिक डेट के बारे में मजलिस ने क्या कहा था। ठीक, ये वही मजलिस है जिसका किताब चलता है पब्लिक डोमेन से। तो डोमर का जो अप्रोच था, डोमर का अप्रोच था अबाउट पब्लिक डेट कैसा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उसका वो अप्रोच था। बट मजलिस का अप्रोच दूसरा है। मजलिस ने क्या बोला है कि जैसे डोमर के डोमर से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इंटरनल पब्लिक डेट का बर्डन क्रिएट करता है, उसी तरह मजलिस से क्वेश्चन आ सकता है कि आज का लिया हुआ पब्लिक डेट क्या हमारे फ्यूचर जनरेशंस पे इफेक्ट करेगा, क्या फ्यूचर जनरेशंस पे क्या बर्डन क्रिएट होगा उस पब्लिक डेट का। जैसे मान लो पब्लिक डेट लेके एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा, और उस बिल्डिंग को बनाने में बहुत सारा पब्लिक डेट लिया गया, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारा पब्लिक डेट लिया गया और एक बिल्डिंग बनाया गया, बहुत आलीशान बिल्डिंग बनाया गया। लेकिन उस पब्लिक डेट को चुकाते चुकाते मान लो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गया, तो उसमें एक दो जनरेशन निकल जाएगा, कभी कभी 3-4 जनरेशन भी निकल सकता है। तो आज का नया हुआ पब्लिक डेट तो आज के लोगों से पैसे नहीं होते, तो 2-3 जनरेशन के बाद वालों पे भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा के उस पब्लिक डेट का रिपेमेंट क्यों कराना, और क्या वो सही है या वो गलत, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये मजलिस ने कहा, ठीक। तो मजलिस का सीधा सीधा कहने का मतलब क्या था कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनेंस करता है, आज के जेनरेशन को टैक्स लगा, ठीक है। अब ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो इस तरह से, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर गवर्नमेंट फाइनेंस करता है आज के जेनरेशन को, प्रेजेंट जेनरेशन को टैक्स करके, प्रेजेंट जेनरेशन को टैक्स करके, तो वो फ्यूचर जेनरेशन पे कोई भी बर्डन नहीं क्रिएट करता, ठीक है। ये सीधा सीधा मूल बात है उसका, नॉट क्रिएट एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट है पहले ही बोल दिया, अब उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे उसने करा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल असेट तैयार करता है, कि मतलब का एक कहना था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल असेट्स भी तैयार करता है। असेट्स मतलब जिसका एक रिटर्न वैल्यू है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ वो आज के जनरेशन को तो फायदा करेगा ही, प्रेजेंट जनरेशन को फायदा करेगा ही, साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हावड़ा ब्रिज अगर है मान लो, तो ये जो कैपिटल है, एसेट है, इसको कई साल पहले बनाया गया, उस समय शायद पब्लिक डेट लेके बनाया गया हो, लेकिन ये आज भी हम लोग को फायदा कर रहा है, राइट। तो और ऐसा बहुत उदाहरण है, हावड़ा ब्रिज तो एक सिंपल सा उदाहरण हुआ, ब्रिज हो गया, कोई भी सड़क हो गया, पुराना कोई इमारत हो गया, कोई भी हो, बट मदद करता है, ठीक है। तो वो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन को भी मदद करता है, ठीक। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं मॉडल क्या है। तो मॉडल ऐसा है कि मॉडल जो माना गया है वो है, देख लेते हैं, मान लिया जाए कि जो कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट को करने का वो है 1 रुपया, ठीक है। मतलब वो कैपिटल एसेट को तैयार करने का कॉस्ट 1 रुपया, ठीक है। प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों ही इससे बेनिफिट लेगा, ठीक, उस कैपिटल गुड से। इसका मतलब इस कैपिटल गुड को का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हर एक जनरेशन को बियर करना चाहिए, राइट। अगर बाय बेनिफिट प्रिंसिपल अप्रोच जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, कि अगर जिसको जिस प्रोडक्ट से बेनिफिट मिल रहा है, जिस पब्लिक गुड से, उसको उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो अगर प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है तो दोनों को कॉस्ट बेयर करना चाहिए, ठीक। और ये जो है, ये जो बेनिफिट है वो उनके कॉस्ट, मतलब इसको प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के अगेंस्ट में जिसको जितना बेनिफिट मिल रहा है वो उस हिसाब से अपना पेमेंट कर रहा है, राइट, उस हिसाब से टैक्स दे रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। इन सभी चीजों के आधार पर मजलिस ने कुछ कुछ चीजें कही, राइट, और काफी थियोरेटिकल चीज है, काफी हाइपोथेटिकल चीज है, ठीक। उसने अज्यूम किया तीन जनरेशन उसने अज्यूम किया, ठीक। पहला 0 से 25 साल तक, 0 मतलब जिस साल वो प्रोजेक्ट बना उस साल से 25 साल तक, ठीक। दूसरा
25 से 50 साल तक, और तीसरा 50 से ज्यादा लोग, 50 एंड अबव, तो तीन जनरेशन है, ठीक है। एक जनरेशन है जो 50 साल के हैं और या तो उससे ऊपर वाले, यानी कि हमारे दादाजी का टाइम से, ठीक है। ये हो गए G1, जनरेशन 1, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन। इनके जनरेशन पे ही, मतलब ये जो 50, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस समय प्रोजेक्ट बना उस समय मान लो तीन जनरेशन था कंट्री में, एक 50 से ज्यादा लोग जिसको हम लोग जनरेशन 1 कह रहे हैं, 25 से 50 वाले जैसे हमारे भैया, हमारे अंकल आंटी ये लोग जनरेशन 2 हुए, और 0 से 25 वाले जो हमसे छोटे हैं, हमारे भाई बहन शिशु बाल बच्चे, ये लोग हो गए जनरेशन 3, ठीक। तो तीन जनरेशन है, समझने की कोशिश करो। उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक। और मैं ये भी साफ कर देता हूँ कि इससे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है कि वो सही है गलत है, उसमें नहीं जा रहा हूँ, बस एक मॉडल समझाने के लिए उदाहरण ले लिया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, मुझे पता भी नहीं किस पैसे से बन रहा है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि पब्लिक डेट के पैसे से बन रहा है, ठीक। अच्छा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब बन रहा है तो इसका जो बेनिफिट, मान लो इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट है कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होंगे, पार्लियामेंट में बिल पास होंगे, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा, तो इसका बेनिफिट तीन जनरेशन को मिलता है, ठीक है। पहला 50 और उसके ऊपर वाले लोग, दूसरा 25-50 वाले लोग, और तीसरा 0 से 25 वाले लोग, ठीक। सबको मिल रहा है इसका बेनिफिट, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट है तो उसका बेनिफिट सबको मिलना है, ठीक। अच्छा, मान लिया जाए इस प्रोजेक्ट का, इस सेंट्रल विस्टा का जो लाइफ स्पैन है वो है 75 साल तक की, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद ये गिरना उड़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सीवेज वीवेज इसमें लगना शुरू हो जाएगा। कि मान लीजिए अजम्पशन है, ठीक है, पीरियड 1 में क्या होगा, फर्स्ट पीरियड, ठीक। पीरियड 1 में जो जनरेशन 1 है वो इसका लाभ उठाएगा, इसका बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से लेगा, मजे में, ठीक। इस दौरान जो जनरेशन 1 है वो अपने जिंदगी का आखिरी साल जी रहा है, ये भी मत भूलो, अपने जिंदगी का आखिरी पीरियड जी रहा है, 50 से ऊपर वाला है, ये प्रोजेक्ट 75 साल तक टिकेगा। तो आज 2021 में अगर ये प्रोजेक्ट बनता है और ये अगर 75 साल तक रहेगा, लेकिन 75 साल तक ये लोग नहीं रहेंगे, ये लोग निकल जाएंगे कुछ दिन बाद, तो ये लोग एकदम लास्ट पीरियड पे है, बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, मजे ले रहे हैं इस चीज का। जनरेशन 2 जो है ये अभी 25 से 50 साल के, ये प्रोजेक्ट अगला 75 साल तक रहेगा, ये कैपिटल एसेट 2021 में है तो 2096 तक ये रहेगा, ठीक। और 2096 तक रहेगा यानी कि ये लोग जो है, ये लोग शायद अपने लाइफ के 2 पीरियड तक इस सेंट्रल विस्टा का जो कैपिटल एसेट है उससे बेनिफिट ले सकते, ठीक। G3 में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका उठाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को, इस कैपिटल एसेट को वही लोग सबसे ज्यादा भोग करेंगे, ठीक, क्योंकि वो लोग अभी अपने फर्स्ट स्टेज में है लाइफ में, ठीक। ये हुआ पीरियड 1 का, ठीक। अब पीरियड 2 पे आते हैं, पीरियड 2 में क्या होगा, पीरियड 2 में जो जनरेशन 1 वाले थे ना वो जा चुके हैं, उनकी अवधि पूरी हो चुकी है, उनका समय समाप्त, वो जा चुके हैं। अभी सिर्फ G2 और G3 है खेल में, इनके बीच ही कॉम्पिटिशन है। अब क्या होगा, इस खेल में एक नया जनरेशन एंटर करेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और इसके जगह एक नया जनरेशन आएगा, ठीक। वो जनरेशन क्या होगा, वो जनरेशन है G4 कौन होगा, उसके बाद जो जनरेशन हुआ, एक जनरेशन गया तो दूसरा जनरेशन आया G4, ठीक। अच्छा, G2 जो है वो इस दौरान पीरियड 2 में इस कैपिटल एसेट का लाभ उठा रहे हैं, और ये लोग G2 वाले जो है वो अब अपने लाइफ के आखिरी फेज में जा चुके हैं, ठीक, ये भी मत भूलो, क्योंकि अब ये 25 से 50 थे पीरियड 1 में, अब इनका उम्र 50 एंड अबव हो गया, ठीक है, अब इनका उम्र 50 एंड अबव हो गया, इनका उम्र हो गया है 25 से 50 है, राइट। और ये लोग 0 से 25 में है, ठीक, तो ये लोग अब लास्ट स्टेज में है, एक ही पीरियड तक एंजॉय करेंगे इसको, ये लोग अभी भी 2 पीरियड एंजॉय करेंगे, और ये लोग सबसे ज्यादा अभी एंजॉय करेंगे, अभी अभी जन्मे हमारा को ये लोग हुए, ठीक। अच्छा, अब आता है पीरियड 3, ठीक। इस प्रोजेक्ट का कितना साल हो गया, इस प्रोजेक्ट का 50 साल हो चुका है, ठीक है, पीरियड 1 में 25 साल बीत चुके हैं, पीरियड 2 में 25 साल बीत चुके हैं, ये जो एसेट है ये अब और 25 साल टिकने वाला है, ठीक, यानी कि एक पीरियड और टिकने वाला है।
एक पीरियड और टिकेगा, उस दौरान क्या होगा, इस पीरियड में ये जो जनरेशन जी टू था, ये जी टू ऑलरेडी जा चुका है, ये लोग स्वर्ग धार गए, इन लोग का आप कोई रोल नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। तो अब कौन है, अब जनरेशन थ्री वाले हैं, मैं इसको वापस से लिख देता हूं, जनरेशन थ्री वाले हैं, अब कौन कौन है, जनरेशन थ्री वाले जो 50 एंड अबव में है, जनरेशन फोर अब 25 से 50 में आ चुके हैं, और अब जनरेशन फाइव एक नया आया है जो 0 से 25 में। पीरियड थ्री में जी थ्री वाले जो हैं वो बस एक ही पीरियड इसको एंजॉय करेंगे, और उसके बाद सेंट्रल विस्टा भी खत्म, जी थ्री भी खत्म, जी फोर भी एक ही पीरियड एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि सेंट्रल विस्टा ही खत्म हो जाएगा, और जी फाइव भी एक ही पीरियड एंजॉय कर पाएगा क्योंकि सेंट्रल विस्टा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो पीरियड थ्री में जी थ्री एक पीरियड एंजॉय कर पा रहा है, जी फोर अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में, जी फाइव पहले पड़ाव में, लेकिन कैपिटल गुड ही नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक। मोटा मोटा बात क्या है, मोटा मोटा बात ये है, इस 75 साल में जो कि प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन था, उसमें कौन से जनरेशन ने कितना साल तक उसको एंजॉय किया, ठीक है। तो हम लोगों ने 9 ओवरलैपिंग जनरेशन देखा, 9 कैसे बताता हूँ। जी वन और जी फाइव जो था, जी वन और जी फाइव, ये लोग एक ही पीरियड एंजॉय कर पाए, क्यों, क्योंकि जी वन बहुत पहले जन्म ले चुके थे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, और जी फाइव बहुत लेट से जन्म लिए थे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। ऐसा फेसबुक में मीम आता है, बॉर्न टू अर्ली टू वॉच दैट, बॉर्न टू लेट टू वॉच दिस, बट बॉर्न एट द परफेक्ट टाइम टू वॉच राम मंदिर। तो वही वाला हाल है, जी वन जो है बहुत पहले जन्म ले लिए सेंट्रल विस्टा को देखने के लिए, जी फाइव बहुत लेट से जन्म लिए, सेंट्रल विस्टा ही खत्म हो गया, तो वो लोग एक पीरियड ही देख पा, ठीक। जनरेशन टू जो थे वो लोग 2 पीरियड तक देख पाए उसको, जनरेशन टू यानी कि जो 25 से 50 वाले थे, वो लोग 2 पीरियड तक उन्होंने देखा। जनरेशन थ्री वालों ने सबसे ज्यादा देखा 3 पीरियड तक, जो प्रोजेक्ट के बिल्डिंग के समय 0 से 25 साल के थे, उन लोगों ने 3 पीरियड तक देखा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सबसे ज्यादा बेनिफिट उस प्रोजेक्ट का उठा पाएंगे जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, 3 पीरियड तक हम लोग उसको देख पाएंगे, गिवन की 75 साल उसका लाइफ स्पैन, ठीक है। ये बस इस थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल अप्रोच, ठीक। तो 9 ओवरलैपिंग जनरेशन में जनरेशन 1 जो है 1, जनरेशन 2 जो है 2, जनरेशन 3 जो है 3 बार देखा, जनरेशन 4 ने 2 बार देखा, और जनरेशन 5 ने 1 बार देखा, मतलब पीरियड की बात करें तो 1, 2, 3, 3, 6 और 3, 9, तो 9 ओवरलैपिंग जनरेशन है जिन्होंने उस कैपिटल गुड को एंजॉय किया, उससे बेनिफिट किया, ठीक। और 75 इयर्स तक वो प्रोजेक्ट रहा, वो कैपिटल एसेट 75 इयर्स तक उसका रीपेमेंट चलता रहा, उसका रीपेमेंट चलता रहा। तो जनरेशन 5 ने उसका रीपेमेंट बस एक बार किया, एक पीरियड, जनरेशन 1 ने बस एक पीरियड किया, इस जनरेशन ने सबसे ज्यादा बार, ठीक, अपने अपने प्रोपोर्शन के साथ। तो जनरेशन 5 ने मतलब 1/9 हिस्सा दिया, जनरेशन 1 ने 1/9 हिस्सा दिया, क्योंकि कीमत 1 रुपया था, 1/9 हिस्सा दिया। जनरेशन 2 ने 2/9 हिस्सा दिया, जनरेशन 3 ने 3/9 यानी कि 1/3 हिस्सा दिया, और जनरेशन 4 ने 2/9 हिस्सा दिया, ठीक। तो टोटल कितना हो रहा है, तो 1/9, 1/9, 2/9, 1/3, 2/9 = 1, तो टोटल जो कॉस्ट था वो पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है, पहला पीरियड का स्टार्टिंग में देखो, पहला पीरियड का स्टार्टिंग में 3/9 टोटल कॉस्ट रिकवर हो चुका था, कैसे, क्योंकि जी वन ने 1/9 दे दिया था, ठीक है, और जी टू ने 2/9 दे दिया था, तो 3/9 ऑलरेडी फर्स्ट पीरियड में निकल गया, ठीक। बाकी 6/9 जो है वो आने वाले पीरियड में निकला, यानी कि फ्यूचर जनरेशन, ठीक। 3/9 जो है वो फर्स्ट पीरियड में निकल गया, 6/9 जो है, 6/9 उसके लिए सिर्फ पब्लिक बोरोइंग करना पड़ा। जो प्रोजेक्ट बना उसका जो कॉस्ट था उसका 3/9 हिस्सा प्रेजेंट जनरेशन से ले लिया गया, और 6/9 हिस्सा पब्लिक बोरोइंग किया गया, लेकिन जी वन जो था वो पीरियड 2 में वैनिश हो गया,
खत्म हो गया। ठीक, सो जी वन से फिर कोई पब्लिक बोरिंग नहीं किया गया, उनकी वो लोग तो है ही नहीं जिससे पैसा लिया जा सके। सो नो पब्लिक बोरिंग फ्रॉम जी वन आफ्टर दैट। ठीक, जी वन से कोई पैसा नहीं जाएगा। अच्छा, तो बाकी जो सिक्स नाइन्थ है उसका कॉस्ट को कौन कवर करेगा? जी टू और जी थ्री कवर करेगा, क्योंकि जी वन तो है नहीं, तो सबको अपना अपना पैसा वापस मिलेगा अगले आने वाले तीन पीरियड में। जिन्होंने भी पैसा दिया है उनको पैसा वापस मिलेगा अगले आने वाले तीन पीरियड में, क्योंकि मैंने तीन ही पीरियड लिया, पीरियड वन, पीरियड टू, पीरियड थ्री। तो इस कॉस्ट इसको प्रोवाइड करने के लिए जी टू और जी थ्री से पैसा लिया गया और आने वाले तीन पीरियड में उसको रिपे किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या, जी टू जो है वो सेकेंड पीरियड में उसको अपना पैसा वापस मिलेगा, जी थ्री जो है उसको सेकेंड में भी मिलेगा वापस और थर्ड में भी मिलेगा वापस, राइट? तो जो भी बोरिंग हुआ, जब भी हुआ, जिससे भी हुआ, उसके लाइफ स्पेन में उसको उसका पैसा वापस मिलेगा, जी वन, जी टू, जी थ्री को। तो बचा हुआ जो जी फोर और जी फाइव है इसके ऊपर तो कोई बर्डन आया ही नहीं, क्योंकि ये लोग फ्यूचर जनरेशन का मॉडल में लिया गया था, जी वन, जी टू, जी थ्री, इनका पैसा लिया गया था पब्लिक बोरिंग में, इनको इन तीन साल में लौटा भी दिया गया। तो जी फोर और जी फाइव जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ उस पर तो कोई बटन आया ही नहीं, उनको तो कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर सेंट्रल वेस्टर्न प्रोजेक्ट बनता है तो आने वाले जनरेशन पर कोई बटन नहीं है, वो बस उसका भोग करें। जैसे हावड़ा ब्रिज के ऊपर हम लोग अभी कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, हम लोग कोई पैसा दे ही नहीं रहे, हम लोग तो बस उसको कंज्यूम कर। हमारे पूर्वजों ने उस पर पब्लिक बोरिंग अगर उनसे किया गया होगा तो उनको उनसे पैसा लिया गया होगा, उनको मिल भी गया होगा, हम लोग को कोई बटन। तो मजलिस का मोटा मोटा कहने का मतलब यह था कि अगर पब्लिक बोरिंग किया जाए कैपिटल एसेट के लिए तो उससे कोई भी बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे नहीं पड़ता। तो ये साफ साफ गलत बात है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो गलत ही है, ये कहने का मतलब तो बस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर पीसफुली लिसनिंग टू मी। ओके।